मैं हूं संदीप कुमार शर्मा, आप देख रहे हैं 3N न्यूज नेटवर्क। खबर अलवर जिले के निमरा से है, जहां अज्ञात बदमाश एक डंपर चालक की हत्या कर शव को निमरा कस्बे में स्थित प्राचीन बावड़ी के कुएं में डाल गए और डंपर लूट ले गए। घटना की सूचना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुरातत्व विभाग के अधिकारी महेंद्र चौधरी ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची निमरा थाना पुलिस ने लोरिंग मशीन की सहायता से शव को बाहर निकलवाकर मोर्चरी में रखवाया और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। मृतक के भाई विजय सिंह ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ हत्या कर सबूत नष्ट करने का मामला दर्ज करवाया है। मृतक के पक्ष से मिले कागजात के आधार पर उसकी पहचान सुबह सिंह पुत्र नानक राम निवासी सोनपुरी खोरी पुलिस थाना पाटल जिला सीकर राजस्थान के रूप में हुई है। आपको बता दें कि डंपर मालिक बिगलाना निवासी रविंद्र से चालक का संपर्क नहीं होने पर उसने रविवार सुबह हरियाणा राज्य के रामपुरा थाने में सूचना दे रखी थी, जिस पर रामपुरा थाना पुलिस हाथ में जुटी हुई थी। निमराना बावड़ी में शव मिलने पर निमराना थाना पुलिस ने रामपुरा थाने में चालक का शव मिलने की सूचना दी। तो क्या मामला है? सुबह हमें पुरातत्व विभाग के अधिकारी महेंद्र जी चौधरी जी ने सूचना दी कि डेडबॉडी उसमें बावड़ी में एक डेडबॉडी पड़ी हुई है। इसकी सूचना पर हम मौके पर पहुँचे। श्रीमान CO साहब लोकेश मीणा जी मौके पर साथ में थे। डेड बॉडी को निकलवाया गया है। डेड बॉडी पे कुछ चोटों के निशान हैं, जिसका मेडिकल बोर्ड डेड बॉडी को निकलवाकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया है। परिजन अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का FIR दे रहे हैं, जिसको दर्ज करके जांच शुरू की जा रही है। इनका पहले कोई गुमशुदा का मामला दर्ज है सर? सूचना मिली थी इसके ये व्यक्ति है जो ये डंपर चलाता है, और डंपर मालिक से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि रात को ये क्रेशर से डंपर लेके निकला था। रेवाड़ी में करीब 11:50 पर इन्होंने डंपर खाली किया इसने। उसके बाद इसकी जब कोई सूचना नहीं मिली तो इन्होंने हरियाणा पुलिस को इसकी गुमशुदगी की गाड़ी की और इसकी पता से हेतु एक क्वेश्चनिंग करवाई थी। जब हमें सूचना मिली तो हमने इनको पता करके इनको सूचना दी, जिस पर ये मौके पर आए। अधिकारी गौरव प्रधान ने बताया कि पुरातत्व विभाग अधिकारी महेंद्र चौधरी ने बावड़ी के कुएं में शव पड़े होने की सूचना दी। सूचना पर मैं जाप्ते मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकलवाया और मोर्चरी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक के भाई विजय सिंह ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ हत्या का कर साक्ष्य नष्ट करने का मामला दर्ज करवाया है। मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है।